मजे का है। सब्सक्राइब करें प्लीज और वीडियो को लाइक करें। डेस्टिनेशन किचन। पांच किलो तरबूज के छिलके लेकर उनके बाहर वाली सख्त सब्ज तरफ को छीलकर उतार लें। उतारने के बाद देखिए अगर कोई सख्त टुकड़ा लगा रह गया है तो उसे भी उतार लें। छोटे और बारीक क्यूब्स में काट लें। ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। दरमियानी आंच पर एक गहरे पैन में पिघला हुआ घी 7 टेबलस्पून डालें। घी को 1 से 2 मिनट तक गर्म होने दें। सूजी 2 टेबलस्पून, बेसन 2 टेबलस्पून, दो से तीन मिनट तक अच्छी तरह भून लें ताकि कच्चापन खत्म हो जाए लेकिन रंग न बदले। अब तरबूज के छिलके जो ब्लेंड किए थे उन्हें डाल लें। 12 से 15 मिनट तक अच्छी तरह पकाएं और चमचे से हिलाते रहें और पानी को खुश्क होने दें जैसा हम दिखा रहे हैं। अब 1 कप दूध डालें। चमचे से हिलाते रहें और तब तक पकाएं जब तक दूध जज्ब होकर खुश्क ना हो जाए। चीनी 1 कप, अच्छी तरह मिलाएं। इलायची पाउडर 2 चुटकी, 5 मिनट तक अच्छी तरह पकाएं। चमचा हिलाते हुए किशमिश, बादाम और पिस्ते डालें। हमारा हलवा तैयार है। आखिर में हम 1 टेबलस्पून घी का ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इससे जायके और टेक्सचर को 4 चांद लग जाएंगे। मजे का है। डेस्टिनेशन किचन।